अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं आपके अक्षर शेर। तो आज हमने पढ़ी फजर की नमाज़। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाद 9 बजे तक रेडी हो गए थे सूरत जाने के लिए। तो मैं और मेरी बहन, हम लोग को लग रहा है कि ट्रेन हमारी छूट जाएगी, तो हम लोग फटाफट चल के तीनों जन जा रहे हैं स्टेशन। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों जन जा रहे हैं सूरत शॉपिंग के लिए। और अगर हमें कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो हम इस जगह से तो चढ़ ही नहीं सकते। इतनी जल्दी जल्दी हम चलने की कोशिश भी करें तो हमारी स्पीड नहीं हो पाती। हमारी बहन हमें टिकट ला के दे दी। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, स्टेशन में जाके बैठेंगे। और इतनी देर में बैठने का, ट्रेन 8-10 मिनट लेट है। मैं और मेरी बहन बैठे रहे, हम लोगों ने बोर हो गए इतनी देर बैठे। ये हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई कि हम लोग स्टेशन में बैठे, हम लोग सूरत जा रहे हैं स्टार्टिंग करने के लिए। फिर हम लोग पहुँचे ट्रेन में, पर ट्रेन में एक भी जगह नहीं थी, क्योंकि टाइम था ड्यूटी वालों का, ऑफिस वालों का टाइम था। इस चक्कर में बिल्कुल जगह नहीं थी। मैं इतनी देर से इधर खड़ी हूँ, पिछले मैंने 1.5 घंटा सूरत जाने के लिए मैंने खड़े होकर सफ़र किया। बहुत मुश्किल से हम लोग उतरे स्टेशन से, वहाँ से हम पहुँचे, बस ली हमने। बस में भी इतनी भीड़ थी आज, क्या बताएं। और हम लोग पहुँच गए बेगमवाड़ी से हमने अपनी ड्रेस की ईद की शॉपिंग करनी है। तो पहले हम लोगों ने नॉर्मल देखा, आजू बाजू देखा, पर दुकान नहीं खुली थी, क्योंकि यहाँ पे दुकानें बेगमवाड़ी साइड 11:30 बजे तक दुकानें खुलती हैं और हम लोग 10:30 बजे पहुँच गए थे। तो 1 घंटा तो हमने इधर उधर सबको देखने में किया कि क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या लेनी हो, कहाँ कहाँ दुकानें खुल गई हैं। हमने जब पहले वो सभी चेक किया, वो चेक करने के बाद फिर हम लोग पशुपति मार्केट और ये दूसरी एक मार्केट वहाँ से निकले। फिर हम लोग आगे थोड़ा बढ़े तो वहाँ पे टुकड़े मिल रहे थे केजी के हिसाब से। तो मैं वहाँ पे, मैंने 2 स्कार्फ लिए और मेरी बहन ने एक ड्रेस मटेरियल लिया, जो बहुत अच्छा मटेरियल था, पर ये लोग किलो के हिसाब से उसको बेच रहे थे। और ये पशुपति मार्केट और इन मार्केटों के आगे की तरफ जाते हुए ही ये मार्केट हमें पड़ती है। और अगर आपको केजी के हिसाब से अपने लिए कपड़े लेने हो, फैब्रिक लेना हो, कोई भी चीज़ के लिए आपको कपड़े लेना हो, यहाँ से ले सकते हैं। मैंने लोकेशन भी बता दिया आपको कि कौन सा रोड है इधर बेगमवाड़ी का, ये तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग निकले दूसरी जगह के लिए, जहाँ की दुकानें खुल चुकी हैं, जहाँ हमें जाना था मेन, वहाँ की दुकानें खुल चुकी हैं। पर जो दुकान हमें, जिस दुकान से मेरी बहन ने बताया था कि इस दुकान से उन्होंने अगली बार कपड़े देखे थे, वो नहीं खुली थी। तो हमने दूसरी आगे जो दुकान थी उधर जाके देख लिया अपना, जो हमें मटेरियल लेना था। तो वहाँ पे हमने लेस ली, हम लोग को लेस लेनी थी, बीट्स लेनी थी। यहाँ पे अच्छी प्राइस में हमें लेस और बीट्स मिल गई थी। इसकी भी मैं आपको जगह कैप्शन में डाल दूँगी कि कौन सी दुकान है और इसका इधर मटेरियल चाहिए था मिलता। अगर आप स्टार्टिंग सिलाई की कर रहे हो, अगर आपको स्टिचिंग स्टार्ट करना है, तो सूरत में आप ये जगह से ले सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाएगा फैब्रिक स्टिचिंग का। फिर आजू बाजू देखे, हमें अच्छी अच्छी दुकानें थी, पर हमें ये मटेरियल तो लेना ही नहीं था। हमें लेने थे कुछ इस टाइप के मटेरियल अपने ईद के कलेक्शन के लिए, जो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी। फिर वहाँ से निकले, हमको कुछ और भी ड्रेसेस लेने थे मेरी बहन के लिए, पर हमको कुछ इतने पसंद नहीं आए थे। उधर 2-3 ड्रेस देखा, जिसमें जो लेना था उनमें साइज़ नहीं था और जो नहीं लेना था उनमें साइज़ अवेलेबल थे। फिर हम लोग पूछे यूनिक कलेक्शन में, इधर हमें जो लेना था हमें वो सब मिल गया मेरी बहन के हिसाब का। वो कलेक्शन मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर हम निकले वापस से दूसरी जगह के लिए, जहाँ पे हमने फटाफट स्पीड पकड़ी और हमें लेना था टेबल कवर, क्योंकि ईद में हमारा टेबल तो एकदम यूनिक सजता है। तो वो 2-3 जगह हमने देखा, हमें टेबल कवर पसंद नहीं आए, फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर एक जगह गए हमें जहाँ फैब्रिक पसंद आया, पर वो दूसरों के साथ डील कर रहा था, तो हम लोग बहुत देर वहीं बैठे रहे कि वो हमारी भी बारी आएगी, हमारा भी डील है, हमारा भी सब समझेगा। ये मम्मी ने जो कट पीस होते हैं ना, उससे हमने लेने का किया। फिर हमने वहाँ डन किया। फिर हम आए मम्मी के ड्रेस के लिए, हम वहाँ से आए पशुपति मार्केट, वहाँ पर हमने मम्मी के लिए ड्रेस लिया। वहाँ पे मैंने ये 2-3 ड्रेस देखे, पर उसमें से जो हमें लेना था वो दूसरी दुकान से हमने लिया, क्योंकि वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे थे। एक्चुअली ना, सूरत आए जो होते हैं वो अपने कलेक्शन की रिकॉर्डिंग करने आपको नहीं देते हैं, बहुत से कम देते हैं। ये तो मैंने इनसे पूछ के रिकॉर्डिंग किए, वरना रिकॉर्डिंग करने बिल्कुल नहीं देते। अब हम निकल रहे हैं, मम्मी के लिए ड्रेस ले लिया, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। इतनी धूप है, रोज़े में निकलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से अपना शहर भी नहीं कि हम तुरंत घर पहुंच जाएं, हमें बहुत ट्रैवल करके पहुंचना पड़ता है। तो हम वहाँ से फटाफट निकले, फिर हमने ली रिक्शा, और रिक्शा में इतनी ट्रैफिक थी। तो अच्छा है कि हम 1 घंटे पहले ही अपने स्टेशन के लिए निकल गए थे, चूँकि हमारा काम हो गया था। इतनी ट्रैफिक थी कि आपको ऑलमोस्ट
15 से 20 मिनट तो आपको ट्रैफिक में लग ही जाता है। इसलिए आप जब भी सूरत जाए तो अपनी ट्रेन या बस में, जिसमें भी आप जा रहे हों, अगर बाहर से आए हैं तो एटलीस्ट ऐसा निकलें कि ट्रेन में आधा या पौना घंटा हो तब आप निकलें। उन इतनी ट्रैफिक होती है क्योंकि बेगमवाड़ी के आसपास सारी फैब्रिक की ही कंपनियाँ हैं ना, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत परेशानी हो जाती है। तो ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा पहले, एक घंटे पहले ही आप लोग स्टेशन के निकले अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो। मैं तो इतना ही बताना चाहूँगी क्योंकि हमें तो यही लगता है कि एक दिन, क्योंकि और एक दो बार भाई इस चक्कर में ट्रेन छूट चुकी है और हम लोग को कम से कम घर पहुँचने में दो एक घंटे की जगह 3 घंटा 4 घंटा लगा है। तो इसलिए आप, मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग टाइम से टाइम पहुँचें। ट्रैफिक के चक्कर में मैं बोर होती हुई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और रिक्शा ये तो है कि हमें टेंशन नहीं क्योंकि हमें तो ले, हम जल्दी पहुंच गए हैं। फिर हम थोड़ी देर स्टेशन में पहुंचे, हमने टिकट ली फटाफट, हम ट्रेन स्टेशन में लगी हुई थी, हम पहुंचे तो अभी हमारी ये सूरत का स्टेशन कभी हुआ तो अभी हमें एक भी सीट नहीं मिली। हम आते समय भी खड़े होते हुए आए हैं क्योंकि जो सीट मिली थी उसमें हमने मम्मी को बैठा दी क्योंकि मम्मी की बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो हम जैसे तैसे पहुँचे और हमें सीट मिली। उसके आगे की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई इसलिए मैं आज के लिए इतना ही। अल मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।